दुनिया में घर आने की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। नवंबर 12, घर जाने की तैयारी हो रही है, टिकट बुक हो गई है। तो ऐसे में मेरे मन में कई ख्याल आ रहे हैं माँ को लेकर के, कि माँ से कितनी बातें करनी हैं, कितना कुछ होने वाला है। माँ, घर आ रहा हूं, तुम खुश हो ना बेटे के लौटने पर इतने दिनों के बाद? इन दिनों में माँ दिन बड़े लंबे होते जा रहे हैं, रातें जल्दी नहीं कटती। ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं रुक सा गया हो। पिछले महीने तक घर आने का कोई प्लान नहीं था, शायद यही वजह थी कि कोई बेचैनी भी नहीं थी। अभी जब अचानक घर आने का प्लान बना है, तब से मन को पंख लग गए। ऐसी खुशी हो रही है जैसे स्कूल में जाड़े की छुट्टियां हो गई हों, या गणित के मां साहब कोई सवाल पूछ रहे हों और अचानक से छुट्टी की घंटी बज जाए। मावे, लंबा सफर है ना, इसीलिए मिठाइयां नहीं लाऊंगा। बाकी सामान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार और छोटे मोटे तोहफे बटोर लिए हैं मैंने। मम्मी यार, यहां आपकी बहुत याद आती है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकते। दुनिया के सामने तकलीफ में होते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। इस बार घर आएंगे तो तुम्हारी गोद में सर रख कर सो जाएंगे।